तो क्या आप लोगों ने ये वाली आर्ट देखी है? Move to the rhythm. Zebronics. इनके साथ नहीं पहचान पाए तो आप लोगों ने ये गाना तो जरूर सुना होगा। और अगर ये वाला गाना भी नहीं सुना तो ये ट्यून तो जरूर सुनी होगी। तो ये जो भी म्यूजिक आप लोगों ने सुना, ये सारा प्रोड्यूस किया गिब्सन जॉर्ज ने। और आई वाज लकी इनफ कि मेरे को एक मौका मिला इनसे मिलने का जब मैं मुंबई गया था, और हम लोगों ने इनके साथ एक बहुत ही मजेदार ब्रेकडाउन शूट किया इस चैनल के लिए। लेकिन एग्जैक्टली किस गाने का, वो आप इन्हीं से ही सुन लीजिए। हैप्पी लर्निंग। ऑलराइट, सो आज हम क्या देखने वाले? एक्चुअली मैं आपको एक चीज प्ले करता हूं, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा हम क्या प्ले कर। चलो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस। जमाने से ना हम कश्मीर से केरला बढ़ चले कदम मैदान की ओर लगा के पूरा जोर बल्ला नहीं बोलेगा अब मचाएगा शोर नहीं महलों की रानी है झांसी की क्वींस हम में है शक्ति और बाजुओं में है दम ये है हमारा क्रिकेट का क्वींडम So yeah, basically ये हमारा anthem था, right. more or less. बहुत सही, love the energy. मतलब कैसे उसको create किया with the help of, you know, not just the groove, बल्कि even guitars को किस तरह से layer किया, that very excited to see. Yeah, for sure. So basically idea शुभम आना ने मेरे को गाना नहीं बना था, हमने चालू किया था, वहीं से चालू हुआ था, they sent me this file, कि bro let's create something out of this. So I created a groove pattern to it. वो बनाने के बाद हमने उसके अराउंड पूरा गाना बनाया। Right. So मैं पहले वो प्ले करता हूँ। So एक पैटर्न मैंने ये दिया था। Correct. And one was. So yeah, बहुत सारे लेयर्स आपको सुनाई दे रहे होंगे इसमें। So कुछ नहीं, मेनली मैंने थंब के लिए मेरे को केक और स्नेयर तो चाहिए ही चाहिए था, जो मेरे को 1, 2, 3, 4 वाला फील दे दे। करेक्ट। So जो मेन एलिमेंट जो मैं यूजुअली करता हूँ, मैं बहुत सारे जब भी लाइव डब्स करते हैं हम लोग, लाइक इफ आई एम डूइंग फॉर एग्जाम्पल द लाइव ढोल ताशा अगर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आई मेक सैम्पल्स आउट ऑफ इट, जो मेरे खुद की लाइब्रेरी बनाता हूँ, जिसे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। Just for accents and rest, I'm getting everything from my main grooves. All right. This is the thing. And bass mein, what I've done is just a low hits. It's all sample, cut shop, सब क्या बात है? Bass के साथ बहुत खेलते हो आप, मैंने देखा है tracks में। बहुत क्या approach रहती है? Like what is your inspiration when it comes to bass? Because मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो bass के साथ इतना experiment करते हैं। Right. So मेरे लिए बोलते हैं ना कि हम गाना बात करना चाहिए, तो why not the instrument? So yeah, so मैं try करता हूँ bass से वही चीज मैं बोलने की कोशिश करूँ। Correct. So that's why a lot of pitch bends are happening. And even different types of basses. Yeah, exactly. Always. बिकॉज मेरे को स्पेक्ट्रम वाइज हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इधर अगर मेरे को एकदम लो हिट चाहिए तो आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर एन 808, और अगर जहाँ मेरे को लाइन्स नहीं के आनी है तो आई इधर द लाइव वन और द मिडी, जो हम उसको बजा के हम कर सकते हैं। सो द बेस एंड द ग्रूव विच साउंड्स लाइक दिस। Thank you.
लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज इज, अब सिंस क्रिकेट की बात चल रही है तो बैट अच्छा तो मजा नहीं आएगा. सो वी क्रिएटेड अ ड्रॉप. So we created a space for that and some risers. I'll just play you the FX part. That's it. Correct. And going into the main hook. Veljon played like an amazing guitar parts. Pure gaane mein Veljon ne guitar kiya hua hai. So I'll show you the riff jo unhone play kiya hua tha. All right. Everything. मैं आगे जाके जो अपना हैवी गिटार्स है उसका लेवल कम करते जा रहा हूँ बिकॉज वोकल्स आ गए तो फाइट हो सकती है. सो उनको वोकल्स को स्पेस देने के लिए. Absolutely. Now let's go into the synth and keys part. So this is the synth part. Nice. So I got a loop जहाँ से मेरे को inspiration आया बहुत सारी चीजों का RPG का कैसे create करना. So मैं try करता हूँ 4x4 का रहेगा तो उसमें triplet का कुछ groove लेके आ जाओ. या for example अगर 3x4 का है तो उसको 4x4 पे कर लो. तो वैसा try कर लेता हूँ मैं. So this was the loop. And there are so many vocals happening right now. So जिसमें बहुत सारे harmonies are done by Ana Rehman. Even Shavi and Harjot. Nice. I'll play you that as well. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupen Samstata Namastasye 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 Namo Namah. And then the IPL themes kick in. Correct. Humse hai zamana, zamane se na hum Kashmir se Kerala, badh chale kadam Maidan ki or lag. I'll play you the Shavi's vocal. Humse hai zamana, zamane se na hum Kashmir se Kerala, badh chale kadam Maidan ki or, laga ke pura zor Balla nahi bolega, ab machayega shor Nahi mehlo ki rani hai, jhansi ki queens hum. As you can see, yahan bahut zare processing chal rahe hain. It's the basic stuff only, just some tuning happening. Kyunki hamara since electronic music hai, toh a bit of tuning is needed. Kyunki uska khud ka ek sound hota hai, I believe. And a bit of compression and EQ. I've used something in the vocals for the distortion part. Oh yes, wo jo beech mein ek chote se bit ke liye aata hai. Right. Hai zamana, zamane se na hum Kashmir se Kerala, badh chale kadam Maidan ki or, laga ke pura zor Balla nahi bolega, ab machayega shor Nahi mehlo ki rani hai, jhansi ki queens hum Hum mein hai shakti aur bazuo mein hai dam So basically, वो जो हमने distortion वाला part किया था, right. It's you can see the automation in here. Correct. So I'm just decapitator को मैं बस उसका mix level बढ़ा दे रहा हूँ. I'll just play you the vocals right now. आज़ुओ में है दम, ये है हमारा cricket का queen dum. Very so, nice, yeah. And it gets back for second. Exactly. Normal. So without that, I'll play you. आज़ुओ में है दम, ये है हमारा cricket का. इम्पैक्ट आ रहा है लेकिन विद द बाजुओं में है दम ये है हमारा क्रिकेट का क्वीन दम लवली द एग्रेसिव पार्ट इन द वोकल्स आई थिंक साउंड्स गुड टू मी वेरी ट्रू होपफुली टू द ऑडियंस एज वेल नहीं नहीं बिल्कुल सो या बाजुओं में है दम ये है हमारा क्रिकेट का क्वीन दम तो मैंने जैसा पहले बोला था ये आइडिया चालू हुआ था ये ढांटना ना से सो मैं वो प्ले करता हूँ कि उन्होंने मेरे को क्या भेज के रखा हुआ था सो आना है सम यूनिक वॉइस क्वींडम
इसी के अराउंड हमने पूरा गाना ही बिल्ड कर दिया. एंड आई थिंक इससे बहुत अच्छा आइडिया व्यूअर्स को भी मिलेगा दैट यू नो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद योर वोकल्स आल्सो. इट्स नॉट जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स की लेयर करते जाओ उनको. राइट. कभी कभी यू नो वोकल्स कैन मेक दैट डिफरेंस. शी इज जस्ट रेप्लिकेटिंग दैट मेलोडी. मेरा ध्यान भी नहीं गया इस लेयर पे कि इतनी सारी चल रही थी. एग्जैक्टली. इट वाज जस्ट स्ट्रेंथनिंग द म्यूजिक. सो मेरे लिए इट्स जो चीजें हमेशा काम करती हैं इज यूनिसन में अगर हम कोई चीज को बजाएं. करेक्ट. So it's always powerful. Like even if you take string section, if you take just the vocals, that's why हम of course harmony create करते हैं. लेकिन जो unison का अगर आप चार layer देते हो with some hard band left LR, then some कुछ 45-45 पे you get some thick vocals. Correct. So अभी हम इसके end में आते हैं. Right. जो हमारा एंथम है. मेरे हिसाब से हमेशा गाना जब भी कर रहे हो तो डायनामिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द साउंड सिलेक्शन ऑफ कोर्स. लेकिन अभी हमने जैसे इसमें किया था मेरे को एंड में पंच बहुत ज्यादा चाहिए था. सो आई हैव टू कट डाउन सम ऑफ द लो एंड टू इट. तो वो करने के बाद कैसे मैं वापस उतना पंच लेके आया हूं. लेट्स फिगर आउट दैट. So yeah, so इसमें groove में मैं एक-एक करके आपको चीज़ दिखाता हूँ कि how I layered the stuff. ठीक है. So first with the kick, and another kick, some storms, a lot of claps, and since this is a stadium वाली vibe है, तो stadium claps बहुत important है यहाँ पर. Some Indian part to it, a high percussion, some more high layers. So अभी हम anticipate कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है. Like हम कोई conclude नहीं कर रहे कि दिस इज द वन और टू और थ्री और फोर वाली पार्ट हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि यह एंटिसिपेशन हमको एंड पे जाके रिवील करनी है. राइट. अगेन वेल जॉन डिड सम ग्रेट पार्ट इन हियर. प्रीटी क्लीन. या देन विद द कीज. देन एडिंग सम स्ट्रिंग्स टू इट. I played some brass just to get that again some more anticipation. With everything. Yeah, hamara cricket ka queendom. तो एक और एक ट्रिक काम आती है जब आप सीधा हिट नहीं करते हो कोरस में विद द वोकल्स. यू जस्ट गिव अ ब्रेक वन बार का देन यू हिट विद द ग्रूव. तो वो फॉर सम रीजन वो ज्यादा पंची फील होता है मेरे को. सो या सो वी अगेन ट्राई दिस. इज आई एम आल्सो ऑब्जर्विंग. ये भी कर रहे हैं कुछ लोग कि जैसे एक सडन गैप आता है प्रेडिक्टेबल गैप वो एक दो काउंट्स के बाद वापस हुक ड्रॉप करते हैं. एग्जैक्टली. कुछ लोग इसको आप लाइक इफ दैट इज इंटरेस्टिंग वी कैन डिक्रीज द टेम्पो. हां. So, वो भी करने के लिए लाइक चार्ली पुथ डिड सर एक गाने में उन्होंने वैसे ही किया था. सो दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग. अभी हमने भी इसमें वही ट्राई किया लाइक सी म्यूजिक प्रोडक्शन अनप्रेडिक्टेबल बनाने के लिए. एग्जैक्टली. जो ट्रायल एरर है दिस वर्क्ड सो वी केप्ट इट. बिल्कुल. अगेन या द सिंगर्स डिड द माइंड ब्लोइंग जॉब एंड में उतना पावर लेके आने के लिए. दिस वाज WPL एंड आई कैन आल्सो सी कि कितने सारे ऑटोमेशंस हुए हुए हैं इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली. एग्जैक्टली. वेरी नाइस. लॉट ऑफ लेयर्स लॉट ऑफ लेयर्स लॉट ऑफ लेयर्स. ये करते 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 इवेंचुअली वी एंडेड अप विद व्हाट वी हैव राइट नाउ. बिल्कुल. एंड ईच एंड एवरी लेयर हैज इट्स ओन मीनिंग. एंड मेरे को वो डीटीज वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा. लाइक हार्मनीज भी इंपॉर्टेंट है बट मोर देन दैट एज यू सेड कि यूनिसन में जब चीजें आती हैं तो वो एक अलग इंपैक्ट छोड़ के जाती हैं. एग्जैक्टली. लाइक हम जैसे क्राउड की बात कर रहे हैं लाइक हम जब स्टेडियम में रहते हैं कोई हार्मनी में नहीं गा रहा होता. हाँ, सब लोग वही कर रहे हैं. इवन कवाली में पीछे जो कोरस चलता है. लाइक ऑलवेज द यूनिसन पार्ट. दैट्स व्हाई दैट साउंड वेरी मैसिव. ट्रू ट्रू. हम म्यूजिक में हमारे पास ऑप्शन है कि हम हार्मनीज क्रिएट करके वी कैन मेक इट मैसिव. लेकिन यूनिसन वाली पार्ट फॉर सम मी नहीं आती. लेकिन यस फॉर श्योर वी कैन क्रिएट दैट. बहुत सुंदर. बाकी तो
इट मीन्स अ लॉट कि आपने टाइम निकाला इस सेशन के लिए, बिकॉज लाइक लॉट्स एंड लॉट्स टू ऑब्जर्व, एंड मेरे को लगता है कि ऑब्जर्वेशन से बड़ा टीचर तो कुछ भी नहीं है. लाइक इवन इफ यू यू नो ऑब्जर्व समबडी डूइंग सम वर्क, तो मेरे को लगता है कि आप बहुत कुछ ग्रास्प कर सकते हो. गॉट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, एंड आई होप जनता भी रिलेट कर पाती है, जनता भी रेजोनेट कर पाती है इससे. होपफुली यस. ताकि डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में और ब्रेकडाउन्स प्लान करते हैं, ऐसी और चीजें लेके आते हैं. सुपर, इट्स अमेजिंग टू हैव यू हियर. सेम हियर मैन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.